और चलिए अब आपको बताते हैं कि अभी तक कितना मतदान प्रतिशत सामने आया है, कहां पर कितना फीसदी मतदान हुआ है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। यूपी की 8 सीटों का क्या हाल है वो आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि 35.73% वोटिंग हुई है अभी तक। अलीगढ़ में दोपहर 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है 35.33%। मेरठ की बात करें तो मेरठ में 38.57% मतदान अब तक हुआ है 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज। अमरोहा में 41.23% वोटिंग अब तक हुई है और बुलंदशहर में 35.25%, तो गौतम बुद्ध नगर में 36% मतदान हुआ है। गाजियाबाद की बात करें 33.94% वोटिंग हुई है। मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो मथुरा का मतदान प्रतिशत भी हमने आपको दिखाया, तो एक एक कर 8 सीटों का हाल हमने आपको बताया। अमरोहा में 40.67% मतदान अब तक हुआ है 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज। जैसे जैसे दिन चल रहा है वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, लेकिन अभी दोपहर में ज्यादा गर्मी होने की वजह से थोड़ा सा कम देखे गए मतदाता मतदान केंद्रों पर, क्योंकि भीषण गर्मी तेज धूप होने की वजह से दोपहर में कम मतदाता पहुंचे। अब शाम का वक्त जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे शाम का वक्त आएगा, तब एक बार फिर आप मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखेंगे। और अब तक का मतदान प्रतिशत आपकी स्क्रीन पर, गौतम बुद्ध नगर का हमने आपको बताया, बुलंदशहर में भी 35.35% मतदान 1 बजे तक हुआ है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला जारी है। और ये वोट सेफ्टी है, सुरक्षा को लेकर वोट किया है, विकास, राम मंदिर और महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ पे वोट किया जा रहा है। करीब 1600 पोलिंग स्टेशन यहाँ अलीगढ़ में बनाए गए हैं और 3000 से ज्यादा बूथ हैं और 19,90,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जो कि आज 14 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद कर देंगे। लेकिन यहाँ पे राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो बीजेपी ने अपने वर्तमान सांसद को तीसरी बार इस सीट पर मैदान में उतारा है, वो है सतीश गौतम। अब वो हैट्रिक यहाँ पे लगा पाएंगे या नहीं, हालांकि न्यूज 18 से स्पेशल बात में उन्होंने कहा कि वो इस बार पिछले से दोगुने ज्यादा मतदानों से जीतने जा रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ प्रमंदीप। और लोकतंत्र के महापर्व का आज दूसरा चरण है, देश भर में 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8 सीटों पर आज वोटिंग जारी। मैं इस वक्त गौतम बुद्ध नगर सीट पर मौजूद हूं, मेरे आसपास आप देख सकते हैं महिलाएं वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हुई है। पहले फेज के मुकाबले दूसरे फेज में हम देख रहे हैं लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है। आंटी जी, वोट कास्ट करके आई आप? हाँ जी। दिखाइए क्या मुद्दे रहे इस बार, क्या मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने मतदान किया? भाई आप मोदी जी के मुद्दों को, सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप बताइए। मैं अभी वैसे कुरुक्षेत्र में पोस्टेड हूँ और आज केवल मतदान के लिए कुरुक्षेत्र से यहाँ पे आई हूँ, ताकि मैं अपना राइट टू वोट यूज कर सकूँ। और यहाँ पे बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी अच्छा है, स्कूलों का, स्कूल में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वगैरह बनाए हैं बड़े कोऑपरेटिव हैं। जैसे माता जी की ओल्ड एज है तो उन्हें बिना लाइन के भी अंदर पहले प्रायोरिटी पे मतदान, यहाँ पर इंतजाम काफी ज्यादा किए गए। आप बताइए यहाँ के क्या मुद्दे हैं? महिलाओं के सुरक्षा का मुद्दा उठा रही है राजनीतिक पार्टियां, सुरक्षित महसूस कर रही हैं? बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और हम तो ये चाहते हैं हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो सही हाथों में जाए, जिससे कि आगे चल के हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए और महिलाएं भी सुरक्षित हैं।
और विकास हुआ है। विकास हम सभी चाहते हैं कि देश का विकास हो, फ्यूचर हमारा सही हाथों में रहे। चलिए एक बार सभी लोग, आप लोग वोट कास्ट करके आए हैं, एक बार आप लोग चिन्ह दिखा दीजिए। तो देखिए सुबह से ही लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं और न्यूज 18 भी आप सभी से यही अपील करता है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मतदान नहीं किया है, आपके क्षेत्र में वोटिंग हो रही है, तो जरूर घर से बाहर निकलिए और मतदान आप जरूर दें। अब तमाम शहरों से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है, अब चलिए उनका रुख कर लेते हैं। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपका परिचय करा देती हूं और साथ ही चर्चा करेंगे आगे कि आज कहां पर कितना फीसदी मतदान हुआ है। अभी तक देखिए एक घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और सबसे पहले बागपत से पवन गौड़ हमारे साथ में जुड़ गए हैं, अलीगढ़ से संदीप पांडे हैं, गाजियाबाद से फरा खान है, मथुरा से नितिन गौतम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, शरद त्रिवेदी जी है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत सर आपका। विजय राठी जी जुड़ गए हैं, सपा से प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत आपका। और साथ ही सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक एक कर शहरों का हाल जान लेते हैं कि कहां पर मतदाताओं में कितना ज्यादा उत्साह। सबसे पहले बागपत चलते हैं। पवन, आपके आसपास तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि क्या मुद्दे हैं बागपत की जनता पे जिसको ध्यान में रखकर वो वोट कास्ट कर रहे हैं। आज आज भारत के बारे में